तहसील स्तर पर खुलने वाले ग्राम न्यायालयों के विरोध में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से ग्राम न्यायालयों के गठन को वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की पहल पर तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्राम न्यायालयों को खोलने का मुख्य उद्देश्य दीवानी कलेक्ट्रेट में लगातार फाइलों की बढ़ती संख्या और वादकारियों का कई वर्ष तक न्याय के इंतजार को ख़त्म कराना है। इससे वादकारियों को जिला मुख्यालय तक वाद के सिलसिले में आने जाने में होने वाले आर्थिक नुकसान से भी निजात मिल सकेगी। ग्राम न्यायालय में नाली, खड़ंजा, संपत्ति समेत छोटे आपराधिक मामलों का निस्तारण किए जाने की भी योजना है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार शुक्ला व अध्यक्ष वीरेन शाही ने कहा, ग्राम न्यायालय की जो स्थापना है उसमें स्पष्ट है कि जो लोकल स्तर की के बार एसोसिएशन है उनके कार्यकारिणी और उनके अधिवक्ताओं से इस संदर्भ में एक सहमति लेकर के ही इस और उस पर विचार करके ही उसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है उसके द्वारा बिना किसी को संज्ञान में लिए हाईकोर्ट को अपने पक्ष में लेते हुए इस तरह की तुगलकी फरमान जारी कर दिया। वर्तमान में यहाँ 91 पद हमारे गोरखपुर सिविल कोर्ट में 91 पद सृजित हैं, उसके सापेक्ष में 51 कार्य करने चाहिए, परंतु 26 न्यायालय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिससे पूरे जिले के वादकारी और अधिवक्ता काफ़ी परेशान और हैरान हैं। उसके संदर्भ में लोगों को आपस में बांटने के कारण जो यहाँ स्थापित न्यायिक अधिकारी हैं उनको भी ले जा करके तहसीलों पर नियुक्त किया जा रहा है, जिससे काफ़ी अधिवक्ता आक्रोशित हैं। हम लोगों की मांग है कि यहाँ उनकी हमारे यहाँ न्यायालयों में अधिकारियों की पूर्णता को पूर्ण करें और तब जा करके आप अपनी कोई अन्य व्यवस्था स्थापित करें। इसके विरोध में हम लोग न्यायिक कार्य से और विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। कल भी हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। इस संदर्भ में हमारे बार काउंसिल के सदस्य मसूदन तिवारी जी आज बैठक बुलाने के लिए इलाहाबाद गए हुए हैं। इन संदर्भ में आज हमारा यहाँ सत्याग्रह का कार्यक्रम है, उसी के संदर्भ में हमारे सारे अधिवक्तागण उसको सफल बनाने के लिए आज सत्याग्रह करने के लिए अंबेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष उपस्थित आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राम न्यायालय जो है बिना आनन फानन बिना किसी तैयारी के खोल दिए गए हैं। प्राविधान ये है में कि जो न्यायालय चल रहे हैं उनके अलावा ऐसे न्यायालय खोले जाएंगे और उनके लिए अलग से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। यहाँ के 3 न्यायिक अधिकारियों को भेज दिया, जबकि दीवानी कचहरी में 70 पीठासीन अधिकारियों की जगह है, जिसके सापेक्ष मात्र 26 न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरे जिले की न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। अधिवक्ता आक्रोशित है, वादकारी परेशान हो रहा है और सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के नाम पर जनता के साथ मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। उससे हमारे अधिवक्ता वर्ग के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इससे जो संविधान की मंशा है और बाबा साहब ने जो सबको समान न्याय, सबके लिए, सबको सुलभ न्याय की परिकल्पना की थी संविधान में, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए हम संविधान
की याद दिलाने के लिए और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान पर चलने के लिए सरकार और न्यायालय हाई कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ हम सांकेतिक धरने पर आए हैं।